नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल सिलाई सखी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं 40 इंच की ब्लाउज की कटिंग, सादा ब्लाउज चार्टर्स जिसको बोलते हैं हम। तो चलिए समय गंवाते हुए शुरू करते हैं हम। ये हमारा अस्तर वाला ब्लाउज का कपड़ा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अस्तर पे कटिंग करेंगे, फिर इसके बाद हम कपड़े पे रखकर कटिंग करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ से हम सबसे पहले क्या करेंगे, लंबाई लेंगे। तो लंबाई हमारा जैसे हमको 14 इंच चाहिए, तो 1 इंच हम बढ़ा के कटिंग करेंगे, 15 इंच लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम 15 इंच पे एक निशान लगा देंगे, ये देखिए यहाँ पे। और ये हमारा चार्टर्स ब्लाउज है और हम बैक साइड कटिंग करेंगे, तो 1 इंच हम कम करेंगे क्योंकि हमारा 1 इंच यहाँ पे टक्स लगता है। तो यहाँ पे हमने 15 इंच पे कटिंग कर रहे हैं, तो बैक साइड हम 14 इंच पे कटिंग करेंगे। ठीक है, अब हम शोल्डर लेंगे ऊपर की तरफ से। तो 40 इंच का है तो हम यहाँ पे 5.5 इंच पे शोल्डर पे निशान लगाएंगे, ये देखिए यहाँ पे। और 40 इंच में हम छठवां भाग यूज करते हैं, तो यहाँ 40 इंच का छठवां भाग हमारा 7.25 इंच आएगा। तो हम यहाँ से 7.25 इंच पे एक निशान लगाएंगे, देखिए यहाँ पे इस तरफ, इसको हम सीधा कर लेंगे इस तरफ। अब हम 40 का चौथा भाग लेंगे, तो 40 का चौथा भाग हमारा ये देखिए 10 इंच आ रहा है। तो यहाँ से हम 10 इंच पे एक निशान लगाएंगे यहाँ से, तो ये देखिए हमारा 10 इंच यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे हम एक टिक करेंगे, देखिए ऐसा। अब इसमें हम 2 इंच और एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई के लिए, तो हम 12 इंच पे यहाँ पे निशान लगाएंगे। अब इसको हम सीधा कर लेंगे ये लाइन को, ये देखिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम कमर की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमने 12 इंच लिया, तो 1 इंच हम यहाँ कम करेंगे, 11 इंच लेंगे। तो यहाँ से हम 11 इंच पे निशान लगाएंगे, हमारा 11 इंच यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे हम एक निशान लगाएंगे, ये देखिए। अब इसको हम सीधा कर लेंगे इस तरफ, और इसको हम इसमें मिला देंगे, और ये यहाँ पे जो हमारा एक्स्ट्रा है। अब हम गले की तरफ चलेंगे, यहाँ से हम 3.25 इंच पे लेंगे गला, नहीं 3.5 इंच नहीं लेंगे हम, यहाँ पे 2.5 इंच लेंगे गला। ये हम 5.5 इंच का लिए हैं शोल्डर, तो यहाँ पे हम 2.5 इंच यहाँ से लेंगे, और यहाँ से हम जितना आपका गला रहेगा आप उसी हिसाब से लेंगे। अगर आपको तैयार 6 चाहिए तो 6.5 ले सकते हैं, अगर 6.5 तैयार है तो 7 ले सकते हैं। तो इसी हिसाब से हम गले का नाप लेते हैं। तो यहाँ से हमको 6.5 पे निशान लगाएंगे, हमको 6 इंच पे चाहिए। तो यहाँ पे हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिए, 1/2 इंच हमारा सिलाई में जाएगा। तो हमको तैयार गला 6 इंच है, तो हमने 6.5 इंच पे निशान लगाए। यहाँ से भी देखेंगे 2.5 इंच आ रहा है, और इसके बाद हम इसको सीधा कर लेंगे, इसको हम राउंड शेप देंगे इस तरफ। अब यहाँ देखेंगे ये हमारा फ्रंट साइड का है, तो हम 1 इंच यहाँ पे निशान लगाएंगे, 1 इंच का शेप देंगे। और बैक साइड हम 1.5 इंच लेते हैं, तो यहाँ से हमारा 1/2 इंच बढ़ जाता है, ये देखिए यहाँ पे 1/2 इंच। तो इसको हमको ऐसा राउंड में ऐसा शेप देंगे, ये देखिए। अब यहाँ से हम ये देखिए ये फ्रंट साइड का है, 15 इंच का हम निशान लगाए हैं। हम एक बार आपको फिर से बता दे रहे हैं कि बैक साइड हम 1 इंच कम करेंगे, 14 इंच पे लेंगे। ये गलती नहीं करना, क्योंकि इसमें हम फ्रंट साइड में टक्स लगाएंगे और बैक साइड में हम टक्स नहीं लगाएंगे, सिर्फ यहाँ पे टक्स दे दें साइड में। अब हम चलते हैं डॉट पॉइंट लगाएंगे, तो यहाँ से हम हमारा डॉट पॉइंट कहाँ पर आ रहा है वो देखेंगे। तो अगर हमारा किसी का 9.5 है तो 9.5 लेंगे, किसी का 10 इंच आ रहा है तो हम 10.5 इंच में लगाते हैं। तो इसी हिसाब से ये हमारा
हम इस पे 10 इंच पे डॉट पॉइंट लगाएंगे निशान। ये हमारा 10 इंच पे है, तैयार रहेगा तो 10.5 पे लेंगे, क्योंकि हमारा आधा इंच इसमें हम हमारा यहाँ पे सिलाई में जाएगा, तो हम यहाँ पे हमारा 10 इंच आया। ठीक है, अब यहाँ से हम डॉट पॉइंट लगा दिए हैं। अब यहाँ से हम 4 इंच लेंगे इस तरफ से, नीचे की तरफ से यहाँ से हम 4 इंच पे इस तरफ निशान लगाएंगे। और ये जो यहाँ से देखेंगे, यहाँ से 1 इंच हमको नीचे, ये जो हमने डॉट पॉइंट लगाए हैं इसके नीचे से हमको निशान लगाना है। ये देखिए यहाँ हमारा 1 इंच आ रहा है। अब इसको हम यहाँ से, जो हम यहाँ से 4 इंच हम लिए और यहाँ पे जितना आ रहा है हम उतने पे निशान लगाएंगे। ये देखिए अब यहाँ पे हम टक्स लगाएंगे आधा आधा इंच का। यहाँ से हम आधा लेंगे और यहाँ से आधा लेंगे। अब इसको हम इसमें मिला देंगे इस तरफ और ये इस तरफ मिलाएंगे। ये हमारा बीच का लाइन है, आधा इधर हम लिए आधा इधर लिए, तो हमारा ये 1 इंच का टक्स हो गया। हम जो डॉट पॉइंट लगाए थे 1 इंच हम नीचे से एक टक्स लगाए। अब यहाँ से हम 1.5 इंच लेंगे, तो यहाँ पे हमारा 1.5 इंच आ रहा है, यहाँ पे हम ऐसा निशान लगा देंगे। ठीक है, अब इसको हम ऐसा सीधा लाइन इसमें लाएंगे। अब यही पॉइंट से हमको यहाँ पे भी 1.5 इंच लेना है। ये देखिए हमारा 1.5 इंच यहाँ पे आ रहा है। अब इसको हम इसी से इस तरफ से हम निशान लगाएंगे, ऐसा ही हमारा क्रॉस में जाएगा। ये हमने 1 इंच लिए, यहाँ से हमने 1.5 इंच लिए, यहाँ से भी हमने 1.5 इंच लिए। अब ये हमारा ज़्यादा लगेगा, 2 इंच लेंगे हम यहाँ से। ये देखिए यहाँ से हमारा इस तरफ से हम देखेंगे ये हमारा 2 इंच आ रहा है इधर, तो हम 2 इंच पे इस तरफ से निशान लगाएंगे। ठीक है, ये टैक्स हमारा ज़्यादा लगेगा और इसमें थोड़ा कम लगेगा, इससे कम, और इसको भी थोड़ा लगेगा, इसको भी थोड़ा लगेगा। ये चारों में से ज़्यादा टैक्स इसमें हम लगाते हैं, सबसे ज़्यादा टैक्स हमारा इसमें लगता है। ठीक है, अब इसको हम कटिंग करेंगे। अभी हम यहाँ गले की तरफ से इसको कटिंग करेंगे, ऐसा राउंड शेप में देते हुए इस तरफ ऐसा, तो ये हमारा कटिंग हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हमको हल्का सा शेप दे देना है, हमारा शोल्डर जो गिरता है वो गिरेगा नहीं, अच्छा बैठेगा। ये देखिए अब यहाँ से हम अभी हम बैक साइड का काटेंगे, ये फ्रंट साइड का हमारा है, तो हमारा ये 2 भाग है, तो इसके लिए नहीं, हम ये हमारा फ्रंट साइड का है, तो हम ये भाग कटिंग करके निकालेंगे। ये हमने आपको बताया था 1.5 इंच लेते हैं, इसके वजह से हम ये नहीं काटेंगे, ये सिर्फ हम 1 इंच का ही हमारा फ्रंट है ना, तो हम ये वाला भाग लेंगे और बैक साइड हम 1.5 इंच बढ़ा के दूसरे भाग में कटिंग करेंगे। ये देखिए ये हमारा फ्रंट साइड का है, ये हम आपको बताने के लिए निशान लगाए थे कि हमारा आधा इंच बढ़ जाता है। अब इसमें ये देखिए हमारा कटिंग हो गया है। अब यहाँ से हम थोड़ा सा नोच लगा देंगे, ये देखिए इस तरफ से, और यहाँ भी ऐसा पकड़ के लगाएंगे, तो हमको तो हमारा फ्रंट साइड का कटिंग हो गया है। अब हम बैक साइड का कटिंग करेंगे। अब इसको हम आपको फिर से बता दे रहे हैं, हमने इसको 15 इंच लिए थे, अब हम बैक साइड में हम 14 इंच की लेंगे। ये देखिए अच्छे से हमने आपको बताया, आपको समझ में आया। अभी हम यही भाग रख के हम फ्रंट साइड बैक साइड का कटिंग करेंगे। हमारा फ्रंट साइड का हो गया, अभी हमारा 2 भाग है। ये देखिए अब इसमें जैसे टक्स लगा है, और इस बाजू में भी हम इसी तरह टक्स लगाएंगे जैसे इसमें लगा है, सेम। ये देखिए
अब इसको हम क्या करेंगे, इसको ऐसा छाप देंगे, ऐसे रख के फिर हमारा निशान आएगा उसी पे हम फिर से लगा लेंगे। यहाँ से खूब अच्छे से हम ऐसे बैठा लेंगे एकदम बराबर से ऐसा, ये देखिए। और हम तो यहाँ पे नोच लिए, हमको तो मालूम है यहाँ से यहाँ पे हमारा है, तो इसको हम ऐसा ऐसा करेंगे तो हमारा दोनों तरफ हो जाएगा, ये देखिए। अब इसमें हम फिर से निशान लगा लेंगे। अब हम चलते हैं आपको बैक साइड का बताएंगे। तो दोस्तों हम आपको बैक साइड का कटिंग बता रहे हैं, फ्रंट साइड का हमारा हो गया। तो उसमें हमने 15 इंच लिए थे लंबाई, इसमें हम 14 इंच लेंगे। तो यहाँ से हम 14 इंच पे एक निशान लगा देंगे, ये देखिए। अब यहाँ से गले की तरफ से हमने 5.5 इंच लिए थे, तो यहाँ से हम 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे, ये देखिए। यहाँ से हम 7.25 इंच लेंगे, 40 का हम छठवां भाग यूज करते हैं इसमें, तो यहाँ से हमारा 7.25 इंच आएगा, ये देखिए हमारा 7.25 इंच आया है। अब यहाँ पे हम चेस्ट का हमारा 40 इंच का है, तो उसमें हम 40 का एक चौथाई भाग हमारा 10 इंच आएगा, तो यहाँ से हम 10 इंच पे निशान लगाएंगे, फिर इसमें 2 इंच हम प्लस करेंगे, ये देखिए 10 हमारा यहाँ पे आ रहा है और 2 हमारा यहाँ पे हम प्लस किए 12 इंच, तो यहाँ पे निशान लगा दिए। अब इसको हम सीधा करेंगे, ये देखिए ये हमारा आर्म होल है, इसको हमने चेस्ट का छठवां भाग लिए हैं, और ये हमारा 40 का चौथा भाग है यहाँ पे, ये 10 इंच है हमारा फिटिंग और 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिए हैं। और यहाँ पे हम कमर की तरफ से हम 1 इंच कम करेंगे चेस्ट बुक तरफ से, यहाँ हमारा 12 इंच है तो 1 इंच हम क्रॉस में कम करेंगे, ये देखिए यहाँ पे हम 11 इंच लेंगे। इसको हम सीधा करेंगे यहाँ से, अब इसको हम इसमें मिला देंगे, ये देखिए। अब इसमें आप कोई भी गला पसंद अनुसार बना सकते हैं, कोई पैटर्न भी बना सकते हैं। और यहाँ से हम 1.5 इंच का शेप देंगे, ये देखिए 1.5 इंच यह है यहाँ पे, यहाँ पे हम ऐसा निशान लगा लेंगे, इसको राउंड में ऐसा शेप देंगे। अब इसका हम कटिंग करेंगे, और यहाँ से हम 4 इंच का टक्स लगाते हैं, यहाँ से 4 इंच पे हम यहाँ पे एक निशान लगाएंगे, और ऊपर की तरफ भी हम 4 ही इंच लेंगे। जैसा आपका गला रहेगा उसी हिसाब से आप टक्स लेंगे, अगर आपका ब्रॉड गला है तो आप 3 इंच भी ले सकते हैं यहाँ से, 4 इंच नहीं लेंगे। अगर छोटा गला आता है तो आप 4 इंच लेंगे, नहीं तो कम लेंगे, जिस हिसाब से आपका गला बनेगा पैटर्न बनेगा उसी हिसाब से आप यहाँ पे टक्स लगाएंगे। तो यहाँ से हम 4 इंच पे इस तरह आधा इंच इस तरफ से आधा इंच इस तरफ से हम टक्स लगाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हम आधा इंच पे निशान लगा रहे हैं, क्या आधा है। अब इसको हम ऐसा मिला देंगे, यहाँ से हम इसे कपड़ा पकड़ेंगे और यहाँ पे आके बारीक कर देंगे, ये देखिए इस तरह से। अब इसका हम कटिंग कर लेंगे, कटिंग हो गई है बैक साइड का। तो दोस्तों हमने अस्तर पे कटिंग करके ये हम कपड़े पे अच्छे से बैठा लिए हैं, तो ये देखिए हमने टाची लगा के अच्छे से बैठा लिए, इधर उधर हमारा कपड़ा नहीं होगा, ठीक है। तो कभी भी आप ध्यान देना, ये हमारा बैक साइड का है, ये जो घड़ी है हमारे तरफ होना चाहिए इस तरफ, और ये जो फ्रंट साइड का ये तो चल जाएगा, ये आप किसी तरफ भी रखेंगे चलेंगे, लेकिन ये हमको ध्यान देना है जब हम अस्तर पे कटिंग किए अब हम कपड़े पे रखे तो हमारा घड़ी हमारे तरफ होना चाहिए, ठीक है। तो आप इस पे ऐसा इसको कपड़े को जब हम कटिंग करेंगे थोड़ा बढ़ा के कटिंग करेंगे, अस्तर का हमारा परफेक्ट नाप है, तो हम इसका कटिंग कर लेंगे। ऐसा करने से अस्तर काटने पे कपड़ा बैठाने से हमारा कपड़ा बचत होता है,
ये देखिए आप थोड़ा बढ़ा के कटिंग करना है, एकदम लगा के नहीं करना है, क्योंकि आप सिलाई जब करेंगे स्टिचिंग तो आप इसको अच्छे से फिर छाट सकते हैं जो बढ़ेगा कपड़ा आपका। तो हमको थोड़ा एक कपड़ा बढ़ा के ही ऐसा लेना है आपको, और इसमें आप पसंद अनुसार अपना पैटर्न टर्न बना सकते हैं बैक साइड। अभी तो हम इसमें गला नहीं बनाए हैं, आपको तो सिर्फ हम टक्स का कटिंग बताए कि कैसे होता है चार टक्स की कटिंग। ये देखिए ये बैक साइड का हमारा कटिंग हो गया है, अब हमारा फ्रंट साइड का है, तो हम इसको भी कटिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने आपको बहुत आसान तरीके से बताए, अगर आपको कहीं समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप पूछ सकते हैं, या तो आप हमको कमेंट करके लिख के भी पूछ सकते हैं, नहीं समझ में आ रहा कॉल भी कर सकते हैं। वैसे हम आपको बहुत अच्छे से बताए, आपको समझ में आ जाएगा, आ गया होगा। ये देखिए हमारा अस्तर पे कपड़े पर कटिंग हो गया, पहले हमने अस्तर पे कटिंग किए थे। तो दोस्तों आज हमने सीखा चार टक्स ब्लाउज की कटिंग, ये देखिए।